अहमदाबाद के मैदान पर गुजरात टाइटंस को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली कैपिटल्स के साथ हुए मुकाबले में शुभमन गिल की टीम ने काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से शुभमन गिल मायूस भी दिखाई पड़े और ऋषभ पंत वहीं पर खुश नजर आ रहे थे। पंत ने आज दो स्टंपिंग की, दो कैच पकड़े, जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला। कई सारे बेहतरीन मोमेंट्स निकल कर आए इस मैच में, हम आपको बताते हैं। सबसे पहला कि टॉस जीता पंत ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे, तो दूसरे ओवर में ही विकेट मिल गया। ईशांत शर्मा को दो सफलताएं मिली, साहा बोल्ड हो गए, सुदर्शन रन आउट हो गए, और इसके बाद जिस तरह से दो स्टंपिंग की है आज ऋषभ पंत ने, अभिनव मनोहर की और शाहरुख खान की, उसके बाद पूरी तरह से वो फिट नजर आ रहे थे। और जो कैच पकड़ा वो बेस्ट मोमेंट था आज के मैच का, जो उन्होंने डेविड मिलर को आउट करने के लिए कैच पकड़ा था अपने रॉन्ग साइड पर जाकर, उससे पता चला कि उनकी फिटनेस जो है पहले से ज्यादा अच्छी हो चुकी है। पहले बैटिंग करते हुए गुजरात ने 89 रन बनाए, सिर्फ 89, टारगेट दिया 90 रनों का, और वहां पर भी तीन विकेट मिले मुकेश कुमार को, दो ईशांत शर्मा को मिले। और जब टारगेट चेस करने की बारी आई तो मैकगर्क ने जहां लखनऊ में छोड़ी थी अपनी पारी वहीं से शुरू की। पहली बॉल पर उन्होंने 6 लगाया और 10 गेंदों में 20 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 11 में 16 बनाए, शेहोप ने 19 रन बनाए। विकेट जरूर मिले तीन संदीप वॉरियर को, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे मैच जिताने के लिए। और ये जो मैच है, जो पूरी तरह से आज दिल्ली ने डोमिनेट किया और मुकाबला जो है वो जीता, 8.5 ओवर में 90 रन बना लिए, अंक तालिका में 6 नंबर पर आ गए हैं। गुजरात टाइटंस उनके नीचे है, 7 में से 3 मुकाबले अब डीसी जीत चुकी है और वापसी का रास्ता ढूंढ रही है। कुलदीप यादव और पंत ने भी यही कहा मैच के बाद कि भाई माहौल बहुत अच्छा है ड्रेसिंग रूम का, हम चैंपियन की तरह खेल रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आगे भी चैंपियन टीम की तरह खेलते हुए नजर आएं। आपका क्या मानना है कि डीसी ने आज कितना डोमिनेट किया, हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।